नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं इस समय मौजूद हूं रीवा के किला परिसर में। मेरे ठीक पीछे, या आप अपने यूं कहूं अपने टीवी स्क्रीन पर, महामृत्युंजय मंदिर भी देख पा रहे होंगे। दुनिया का इकलौता मंदिर है। यहां पर आज रीवा रियासत के अंतिम शासक महाराजा मार्तंड सिंह की जन्म शताब्दी मनाने की तैयारी की जा रही है। 98 साल हो चुके हैं, 2 साल और बचे। आज यहाँ पर इस बात की तैयारी की जा रही कि 100 वर्ष पूरे होने पर एक ऐसे शासक की जन्म शताब्दी मनाई जाए जिसने अपनी पूरी रियासत सरकार को दे दी थी। अंतिम शासक थे वो इस देश के। अब मैं आपको वहाँ पर ले के चलता हूँ, जहाँ पर सभा स्थल पर, जहाँ पर रीवा के गणमान्य लोग इस बात को तय कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जन्म शताब्दी को मनाएंगे। बहुत धन्यवाद। आज माननीय महाराजा मार्तंड सिंह का हम नमन करते हैं और मंच पधारे महाराजा मार्तंड सिंह, हमारे बेधड़क जी, हमारे सिंह साहब हैं। ये हमें और आपको नहीं मालूम, ये बनाई हुई पूंजी है। इस पूंजी को हम नए बच्चे संभाल के रखें, ये हमारी सबकी रीवा की उपलब्धि हुई। साथ ही निवेदन करना चाहो, 2 मिनट में अपनी बात भी खत्म करूँगा कि मूर्ति को लेके संत महाराज जी की बहुत सारी बातें पहले भी हुई, सब राजलास में हुई, इधर उधर भी हुई। मैं तो आप सबके बीच का बच्चा हूँ और किला का सेवक हूँ। उस दिन भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ, कोई जमीन दे या न दे, मूर्ति तैयार की जाए, लगाने जाके उसको स्थापित करने की जवाबदारी मेरी होगी। दो तीन सुझाव मैं भी अपने तरफ से रख रहा हूँ। जैसे कि चूंकि सफ़ेद बाग 1951 में केवल महाराजा रीवा ने, महाराज मार्तंड सिंह जी ने पकड़ा, मेरे फादर ने, तो एक अगर आर्टिकल NCERT में आता है मोहन द वाइट टाइगर के ऊपर, तो स्वाभाविक रूप से महाराज साहब का नाम उससे हटाया जा ही नहीं सकता है। NCERT में भी महाराज साहब का नाम आ जाएगा। आपका कहने का मतलब है कि दूसरा मध्य प्रदेश पाठ पुस्तक निगम में भी एक आर्टिकल निश्चित रूप से आ सकता है जिसमें महाराज साहब का नाम आएगा ही। जन्म शताब्दी में सबसे बड़ी मांग यही होगी कि मोहन को पाठ पुस्तक में लाया जाए। नहीं, जन्म शताब्दी में बहुत सारी मांगे होंगी, एक प्रमुख जिसमें से एक ये प्रमुख मांग होगी। और दूसरी, महाराज साहब प्रति चिन्ह थे अगली पीढ़ी के लिए, तो हमारा ये धर्म बनता है, मैं शब्द को गौर करिएगा कि हमारा ये धर्म बनता है कि अगली पीढ़ी को हम और क्या दे सकें, बेहतर क्या दे सकें, उसके लिए हम ये प्रयास भी करेंगे कि कहीं ना कहीं से जो उनका विजन था वो एक नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए था, तो उसके लिए भी हम कुछ मुद्दे ऐसे रखें। एक सवाल और बनता है, हाँ। पर जैसे जन्म शताब्दी मनाई जा रही है और एक ऐसे राजा की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है जिसने अपना सब कुछ शासन को दे दिया, उनके जीवन पर जो भी आधारित छाया चित्र या वीडियो फिल्म आइकन, कुछ इस तरीके की प्लानिंग कभी आपके यहाँ दिमाग में आपके? ये बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, बात करते हैं, बहुत सारे लोग इतिहासकार भी हैं, वो भी अपनी फिल्म्स बनाते हैं। ये लोग आ रहे हैं, हमसे टच में हैं और हम लोग कर रहे हैं। BBC भी सोच रहा है, नेशनल ज्योग्राफी भी इसके बारे में सोच रहा है, बड़े चैनल्स भी सोच रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जितना हम, असल में महाराज साहब विकास के पर्याय थे और उनको जितना हम आगे बढ़ाएंगे उतना ये क्षेत्र का विकास बढ़ेगा। जिनका साफ तौर से कहना था, एक ऐसे राजा, हालांकि वो मेरे पिता थे, लेकिन एक ऐसे राजा भी थे जिन्होंने अपना सब कुछ का मतलब सब कुछ शासन को दे दिया, जनता की सेवा के लिए दे दिया था। ऐसे लोग, इस तरीके के लोग आज की दुनिया में विरले ही मिलते हैं। आपका साफ तौर से कहना था उनकी एक मूर्ति लगाई जाए, मूर्ति ऐसी जगह पर लगाई जाए जिससे उनको लोग देखें, उनसे प्रेरणा ले सकें। साथ ही छायाचित्र आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। महामहिम राष्ट्रपति को बुलाने की भी यहाँ पर तैयारी हो रही है। साथ ही उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पहला सफ़ेद शेर इस दुनिया को देने वाले व्यक्ति के नाम पर रीवा की सफारी का नाम रखा गया है।